ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ ਪਾਏ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ ਪਾਏ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ ਨਿਕਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਖਾਤਰ ਬਸ ਇਨਕਾ ਅਰਮਾਨ ਹੈ ਦਮ हमारे जवान इसी तरह शहीद होते रहेंगे, आतंकवादी अपने आतंक फैलाते रहेंगे, ये कब तक चलेगा? इस चीज को रोकने के लिए देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर धरना देने के कार्यक्रम का आह्वान किया है। ये धरना इसलिए दिया जा रहा है कि आज 3-4 दिन पूर्व जिस तरह से कश्मीर के अंदर जो आतंकवादियों ने हमारे जवानों को जिस उन पर आक्रमण करके धोखे से पीठ में चुरा भोंक के और उनको हमेशा हमेशा के लिए चिर निद्रा के अंदर सुलाया, ऐसे 42 जवान हमारे जो शहीद हुए हैं उसके लिए तो पूरे देश की जनता के अंदर जो आक्रोश है वो स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। और आज जगह जगह आप लोग देख रहे हैं कि लोगों के मन में जो भाव उमड़ के आ रहे हैं, हमारे जवानों को श्रद्धांजलि जिसे दी जा रही है, और सबके मन में एक ही चीज़ है कि ऐसी घड़ी के अंदर पूरा देश एक है और हम सब मिल करके जो हमारा ध्येय है कि हमें खून का बदला खून से लेना चाहिए, और जिस तरह से हमारे देश के जवानों के ऊपर जो आक्रमण हुआ है उसका बदला किसी भी हद तक जा कर के हमें लेना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से घोषणा की है और हमारी फौज को उन्होंने स्वतंत्र किया है कि आप समय स्थान और स्वरूप खुद तय करें और जिस तरह से आप उसका बदला लेना चाहें बदला लें, तो मैं पूरे अजमेर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का जिस तरह से उन्होंने निर्णय लिया है ये बहुत ही एक अच्छा निर्णय और आम जन के मन को एक मन के अंदर एक अच्छे भाव बैठने वाला निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा था कि आतंकवाद को हम इस देश से जड़ामूल नष्ट करेंगे, समाप्त करेंगे, और आज ये धरना इसीलिए दिया जा रहा है कि हम हमारे संकल्प पर दृढ़ हैं और भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस बात के लिए प्रयासरत है और प्रयासरत नहीं वो उसमें सफलता भी हासिल करेगा कि इस देश से ये आतंकवाद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त तो हो, और जिस तरह से आए दिन इन आतंकवादियों के माध्यम से कहीं कहीं जो हमले किए जाते हैं, आम नागरिक बेगुनाह नागरिक उनको जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है, इस चीज़ से निजात मिले और देश में खुशहाली और शांति स्थापित हो, इसीलिए ये आज धरने का आयोजन किया गया है।